मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 7 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2 का पहला पाठ, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है बच्चों जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो चलो आज हम पढ़ते हैं एक हमारी जो कविता है पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इस कविता के कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस कविता के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि इस कविता में कवि ने हमें पंछियों के बारे में बताया है। पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त खुला गगन आकाश। तो कवि ने हमें पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के बारे में बताया है कि आज़ादी मनुष्यों को ही नहीं पशु पक्षियों को भी बहुत पसंद है, और आज़ादी का सभी के जीवन में बहुत महत्व है। आप ये तो सभी जानते हो बच्चों कि अगर हमें कहीं बंद कर दिया जाए, किसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और आपको अच्छा अच्छा खाना दिया जाए, अच्छा अच्छा पानी पीने को दिया जाए, खूब अच्छे नए नए कपड़े आपको पहनाए जाएँ, सब कुछ आपकी पसंद का हो वहाँ, और आपसे कहा जाए कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको सब पसंद का मिल रहा है आपकी, लेकिन आपको क्या पनिशमेंट यानी सजा क्या है आपकी, आपको एक कमरे में बंद रहना है। आपको कह दिया जाए आप पूरा दिन इस कमरे में बंद ही रहोगे, आप बाहर कदम नहीं निकालोगे, लेकिन आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिया जाएगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो बच्चों जैसे हमें यानी मनुष्यों को ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही जो पक्षी होते हैं हमारे, उनको तो ईश्वर ने पंख दिए हैं इतने सुंदर, और जो इतने सुंदर पंख उनको दिए हैं ईश्वर ने, वो किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। और उड़ना क्या है? पक्षियों का स्वाभाविक गुण भी है। तो जब पक्षियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हम उनको पिंजरे में बंद क्यों करें? तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें पक्षियों के बारे में ही बता रहे हैं कि पक्षियों को अगर हम पिंजरों में बंद कर देंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो चलो आज की कविता शुरू करते हैं। हम कविता का नाम जैसे मैंने आपको बताया हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त यानी खुला, गगन माने आसमान। तो पक्षी, अब कविता शुरू कर रही हूँ मैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम जो गाते हैं यानी चहचहाते हैं जो पक्षी, वो नहीं चहचहा पाएंगे। क्यों? कि पिंजरे में अगर वो बंद होंगे तो पिंजरे में बंद होना तो हो गया पराधीनता। यानी अच्छा क्या लगता है, गाना कब अच्छा लगता है हमें? जब हम आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनकी आज़ादी हम उनसे छीन लेंगे, और जब हम किसी से उसकी आज़ादी छीन लेते हैं तो उसका मतलब हमने उसकी आज़ादी छीन ली तो उसको खुशी नहीं हुई। जब आदमी खुश नहीं होता है, कोई पक्षी हो या इंसान हो, जब उसके अंदर खुशी नहीं होगी तो वो क्या करेगा? तो वो खुशी से चहचहाएगा, गाएगा? नहीं गाएगा। क्यों? कि खुशी, आज़ादी और चहचहाना कब अच्छा लगता है बच्चों? जब कोई खुश होता है तब उसको अच्छा लगता है वो सब, पिंजरे में बंद होकर उनको वो सब अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कविता में क्या है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुल के पंख टूट जाएंगे। अब यहाँ पे कनक तीलियों का मतलब आया है सोने की सलाखें। कनक तीलियों से टकराकर पुल के पंख यानी खुशी से फड़कते हुए पंख। अच्छा, खुशी से फड़कते हुए पंख कब होंगे उनके? वो तब होंगे बच्चों कि जो हमारे पक्षी हैं, अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हमारे जो खुशी से फड़कते हुए पंख हैं, पक्षियों के जो पंख हैं खुशी से फड़कते हुए, वो पिंजरे से उन्हें निकलना है बाहर। तो जब वो उससे टकराएंगे, वो कितना भी उनको बंद कर लो फिर भी वो बाहर निकलना ही चाहेंगे पिंजरे से, चाहे बाहर उसमें टकरा टकरा के उनके जो खुशी से फड़कते हुए पंख हैं वो टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो क्या चाहेंगे? वो उड़ना चाहेंगे और आज़ाद होना, मतलब वो उड़ना चाहेंगे फिर भी, क्योंकि उनको हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनसे हम उनकी आज़ादी छीन लेंगे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं
कि उन्होंने क्या बताया है कि पक्षी जो हैं वो उन्मुख यानी खुले गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें पिंजरे में बंद मत करो। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हमारी आज़ादी यानी हमारी जो उड़ने की जो हमारी कला है, मतलब पक्षियों को क्या पसंद है उड़ना, तो आप हमारा उड़ने की आज़ादी हमसे छीन लोगे, यानी हम पक्षियों से उनका क्या छीन लेंगे, जो उनका उड़ना स्वाभाविक गुण भी है एक पक्षियों का, तो हम उनसे वो छीन लेंगे। तो वो कह रहे हैं आप कुछ भी करो, हमें सोने के पिंजरे में ही क्यों ना बंद कर दो, लेकिन फिर भी हम पिंजरे की सलाखों से टकरा कर हमारे पंख ही क्यों ना टूट जाएं, फिर भी हम उड़ना चाहेंगे, हम सोने के पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहेंगे। तो इन अगली पंक्तियों में अब हम पढ़ते हैं आगे कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बहता जल पीने वाले यानी नदी, और नदी का बहता जल पीना पसंद करते हैं पक्षियों को, क्या पसंद है बच्चों, नदी का बहता हुआ जल। उनको अगर सोने की कटोरी में रखकर हम पानी देंगे तो क्या अच्छा लगेगा, जैसे आपको मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि कोई हमें कमरे में बंद कर दे और कहे इसी के अंदर आपको रहना है और आपको अच्छा अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा अच्छी सब चीज़ सोने के बर्तनों में आपको खाना दिया जाए, नए नए कपड़े दिए जाए, तो क्या वो हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। हमें अच्छा क्या लगेगा, आज़ादी से घूमना फिरना, क्योंकि जब हमारे पास हमारी आज़ादी ही नहीं होगी तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं, उन्होंने पक्षियों के माध्यम से हमें ये समझाया है कि पक्षियों को क्या पसंद है, उनको नदियों का झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पक्षियों को वो नदियों का और झरनों का बहता जल पीना पसंद करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन हमें सोने की कटोरी में मैदा खाना, मैदा खाने से यह मतलब है पक्षियों का दाना। पक्षियों को चाहे आप कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना परोस दो सोने की कटोरी में, लेकिन उनको क्या पसंद है, उनको नीम के पेड़ की निबोरी, निबोरी कहते हैं नीम का फल, नीम के पेड़ पे आपने देखा होगा एक फल आता है उसको बोलते हैं निबोरी, तो उनको कटुक निबोरी यानी कड़वी निबोरी खाना ज़्यादा पसंद है, किससे, सोने की कटोरी में रखे हुए व्यंजनों से। आप उनको सोने की कटोरी में रखे व्यंजन दो वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनको बंधन में मिलते हैं। पक्षियों को क्या पसंद आता है, खुले में पेड़ों पर आज़ादी से मिली हुई कड़वी निबोरी खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, किससे, सोने की कटोरी में मैदा खाने से। तो पक्षी क्या कह रहे हैं इसमें, पक्षियों को क्या बता रहे हैं कि हम भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे लेकिन हम पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में मैदा खाना पसंद नहीं करेंगे। मैदा से मतलब यहाँ दानों से है कि उनको जो सोने की कटोरी में दाने दिए जाते हैं, और फिर पक्षी क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर रहना पसंद नहीं करेंगे, हमें खुले आकाश में पेड़ों की डालों पर बैठकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। तो आगे पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ, बंधन कहते हैं बच्चों रोक, गति यानी चाल, उड़ान उड़ने की प्रक्रिया जो होती है, तरु कहते हैं वृक्ष और पेड़ को, और फुनगी टहनी के सबसे ऊपर का भाग, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उसके सबसे ऊपर वाला भाग। तो यहाँ पक्षी क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से यानी सोने की कड़ियों में जो हमने उनको बांध दिया है, यहाँ कभी क्या बता रहे हैं कि हमने उनको जो पिंजरे में बंद कर दिया है ना सोने के, उस पिंजरे में बंद होकर वो जो खुले आकाश में उड़ते थे, उड़कर दूर दूर तक उड़ते हुए जाते थे, वो अपनी चाल भूल गए हैं बिल्कुल, वो तो अब उड़ना ही भूल चुके हैं। पक्षी कह रहे हैं हम तो बिल्कुल उड़ना ही भूल चुके हैं अब, क्यों, किस क्या दी है पंक्तियाँ क्या हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी सोने के पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी उड़ने की कला को बिल्कुल भूल ही चुके हैं कि वो कैसे खुले आसमान में उड़ा करते थे। अब तो उन्हें बस क्या याद रह गया है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी यानी पेड़ों की डालियाँ। आपने देखा होगा बच्चों कि पेड़ों की डालियों पर जब पक्षी बैठते हैं, पतली पतली जो पेड़ों की डालियाँ होती है, फुनगी यानी पेड़ की टहनी का ऊपरी भाग, उस पर आपने देखा होगा जब पक्षी बैठते हैं तो वो डालियाँ हिलने लगती हैं, तो वो उनके लिए क्या होती है, झूले के समान होती है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए एक सपना बनकर रह गया है कि
कि हम कैसे खुले आकाश में उड़ा करते थे और कैसे हम पेड़ों की टहनियों पर बैठकर झूला झूला करते थे। मतलब ये सब तो हमारे लिए बस अब क्या हो गया है, एक सपना बनकर रह गया है। तो आज की कविता में हमें बस बच्चों इतना पढ़ना है, इससे आगे की कविता मैं कल की क्लास में पढ़ाऊँगी आपको। और इस कविता को अच्छे से सुनना और ध्यान से सुन के समझना और पढ़ना भी एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज की कविता इतनी ही बच्चों, बाय बच्चों।